The all-new Vootkids app brings you over 200 plus tunes to watch. चलो वहाँ चलकर देखते हैं क्या है। बहुत भीड़ लगी हुई है। द लास्ट निंजा फाइटर जीतने वाले को 1 करोड़ का इनाम। शिवा तुम भी पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? तुम्हें तो निंजा फाइट्स आती है। नहीं रेवा नहीं, कुंफू तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखी है। और वैसे भी हम लोग पिकनिक पर एंजॉय करने आए हैं, रिलैक्स होकर मस्ती करते हैं। तो ठीक है, अगर शिवा नहीं जा रहा है तो मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। देखना पूरे 1 करोड़ जीतूंगा। एक बार गांव में धोबी पछाड़ प्रतियोगिता हुई थी, मैंने सबको ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि आज भी जब मैं गांव जाता हूँ तब सारे धोबी इसके वेलकम के लिए आ जाते हैं। और कोई रियल फाइटर है जो इसको गिरा सके? हाँ है, एक बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली, दिमागशाली आदमी जो इस फाइटर को चैलेंज करेगा। बेड़ा राम, जोश में होश खोने जैसा काम मत करो। ना तो तुम्हें कुंग फू आता है और ना ही मार्शल आर्ट। तुम इस फाइटर के सामने हिल भी नहीं पाओगे। सर, मैं अपनी नहीं, मेरे बहुत ही बलशाली बॉस लड्डू सिंह जी की बात कर रहा हूँ। आज सूरज कहाँ से निकला पता है? मेरे सामने देश भर के बड़े बड़े फाइटर्स खड़े हैं और अब एक नया फाइटर आ गया है जिसका नाम है लड्डू सिंह। वाह, क्या नाम है, मुंह में पानी आ गया। मेरी आंखों में पानी आ गया पेड़ा राम। अरे तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे? मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना। नहीं 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 नहीं। अब तो आपका नाम अनाउंस हो चुका है तो फाइट तो करना पड़ेगा। ये पेड़ा राम ने तो लड्डू सिंह जी को फंसा दिया। अच्छा कबड्डी कबड्डी, ओह नमस्ते। मैं हार गया, मैं हार गया। जब उन्होंने हार मान ली है तो फिर क्यों लड़ रहे हो? देख नहीं रहे उनकी आंख में मिट्टी चली गई है? मैं आपसे लड़ने नहीं आया, सिर्फ लड्डू सिंह जी को लेने आया हूँ। आइए लड्डू सिंह जी। चलो थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। अब पेड़ा राम की खबर लेता हूँ जिसने मुझे उस फाइट में फंसा दिया। पेड़ा राम कहाँ है? पेड़ा राम, लो सब लोग बैठ के खाना खा लो। ओके। सर, हम लोग गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते हैं, अगर आप कुछ मदद कर दे तो। ये तो बहुत अच्छा काम है, ये लो। शिवा, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तुम इनको 1 करोड़ रुपया डोनेशन क्यों नहीं देते थे?
हाँ हाँ शिवा, 1 करोड़ से इनके स्कूल में कितने गरीब स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे? क्या 1 करोड़? 1 करोड़ आप दे सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारे पास 1000 बच्चे हैं। उनके खाने पीने पढ़ने लिखने और रहने की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्या 1 करोड़? शिवा ये 1 करोड़ कहाँ से देगा? वो तो मेरे ही अकाउंट से निकालेगा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। ठीक है, मैं 1 करोड़ देने के लिए रेडी हूँ। नहीं शिवा नहीं, अब तो मुझे जगह जगह डोनेशन मांगने जाना पड़ेगा। नाना जी रिलैक्स, हम लोग आपके पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। वो उधर देखिए, वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है, द लास्ट निंजा फाइटर। उसमें जीतने वाले को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। अगर मैं 1 करोड़ जीत गया तो वो मैं इन लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तुम किसी अच्छे काम के लिए फाइट करना चाहते हो तो मैं परमिशन देती हूँ, वरना मैं ऐसे फाइट में तुमको कभी भी पार्टिसिपेट करने नहीं देती। ए, शिवा, शिवा, शिवा। और इसी के साथ सेमीफाइनल राउंड में पहले 5 पार्टिसिपेंट्स पहुँच गए हैं। 1 मिनट रुकिए, हमारा नया पार्टिसिपेंट भी सेमीफाइनल में जाएगा। इस बच्चे ने फाइटर को कुछ पंचेस मार दिए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हम लोगों से टक्कर ले सकते हो, समझे बच्चे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। आज सूरज कहाँ से निकला पता है? ये बच्चा तो कमाल पे कमाल किए जा रहा है। हमारे सेमीफाइनल राउंड में पहले के 5 पार्टिसिपेंट्स के साथ शिवा भी हिस्सा लेगा। इसकी उम्र से नहीं, इसकी काबिलियत से इसको सेमीफाइनल में डायरेक्ट जगह दी जाती है। सुनो, इस बच्चे के रहते हमारा कोई चांस नहीं है। पहले इसको रास्ते से हटाते हैं, फिर हम सब निपट लेंगे। हाँ, यही सही है। इस बच्चे से हारे तो देश भर में हमारी हंसी उड़ेगी। तुम लोग ठीक कह रहे हो, आपस में हारे तो कोई बात नहीं, बच्चे से हारे तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। All participants, attention please. ये मैप के directions आप सब ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। इस पॉइंट से आप सब अपनी बाइक से निकलेंगे, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, और लास्ट में एक केव मिलेगी जहाँ पर पहले से एक ट्रेन निंजा फाइटर आपका वेट कर रहा होगा। उस निंजा से फाइट करके जो उसको हरा देगा वही होगा विनर, द लास्ट निंजा फाइटर। एनी डाउट्स? नो सर। रूट में आपको कुछ हर्डल्स भी मिलेंगे, आप सब एक दूसरे को किसी भी तरह से रोकने के लिए आजाद है। अब आपको कैसे दूसरे पार्टिसिपेंट को रोकना है ये आपको देखना है। ओके, रेडी? अरे अरे, इसको तो देखो, ये साइकिल लेकर आया है। कंपटीशन खत्म होने तक ये केव तक पहुंच जाएगा। ठीक है यार, अब पार्टिसिपेट कर ही रहा है तो पहले इसको निकलने देते हैं। ओके, गेट सेट स्टार्ट। Yeah!
अब इसी गड्ढे में साइकिल चलाते रहना। बिना बात के क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? ये बड़ों का कंपटीशन है, बच्चों का नहीं। अभी भी टाइम है, खुद ही कंपटीशन से आउट हो जाओ, नहीं तो हम तो आउट कर ही देंगे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। मैं हार गया, प्लीज मुझे ऊपर करो, मेरा हाथ छूट रहा है, प्लीज। टाटा। चले जा। वापस जाने को नहीं आया। मत बोलना बच्चे कि तुम भी यहाँ पर लड़ने आए हो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अंकल, आप सच में बहुत अच्छे निंजा फाइटर हो। मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? अंकल, फाइट अपनी जगह है, पर अभी आपको चोट लगी है तो पहले आपका पैर निकालना जरूरी है। फाइट बराबरी में ही अच्छी लगती है, आप तो वैसे भी ब्रिलियंट फाइटर हैं, जैसे रियल निंजा होते हैं। तो
तुम उन लोगों जैसे बिल्कुल नहीं हो। आपका मतलब? मैं समझा नहीं अंकल। तुम खजाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। खजाना? कैसा खजाना? मैंने तो और कंटेस्टेंट्स की तरह द लास्ट निंजा फाइटर कंपटीशन में हिस्सा लिया है। अब समझा, मैं एक असली निंजा हूँ। आओ मेरे साथ। इतना सारा खजाना, ये सब कहाँ से आया? आज सूरज कहाँ से निकला पता है? मैंने जो चाहा मिल गया। मैं बताता हूँ, इस खजाने के ऊपर बहुत टाइम से नजर थी, पर ये निंजा फाइटर इतना तेज है कि इस खजाने के आसपास भी किसी को भटकने नहीं देता। इस आइलैंड में हथियार लाना इम्पॉसिबल है, इतनी चेकिंग होती है, इसलिए मैंने ये द लास्ट निंजा फाइटर कॉम्पिटिशन का प्लान बनाया। मुझे पता था कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो इस असली निंजा से फाइट कर पाएगा, और देखो तुम मिल गए। लायन अंकल, आप बस नाम के ही लायन हो, शेरों जैसी आपने कोई क्वालिटी नहीं है। आपने धोखे से मुझे यहाँ काम करवाया। शिवा कभी भी गलत काम में किसी का साथ नहीं देता। शिवा, ये खजाना कई सौ साल पुराना है, हम निंजा लोगों की प्रॉपर्टी है और इसकी रक्षा मुझसे पहले कई और निंजा करते हैं। मैं अपने कुल का आखिरी निंजा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अभी तक मैं द लास्ट निंजा था, पर मुझे यकीन है कि मेरे बाद तुम इस खजाने को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे। मैं आज तुम्हें द लास्ट निंजा का टाइटल देता हूँ। आज से इस खजाने को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे, मैं तुम्हें इस खजाने तक लेकर आया और अब तुम ही मुझसे लड़ोगे। आप गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लड़ना पड़ेगा। तुम सब भाग कहां रहे हो? यहां रुको, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिवा तुम हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तुम उठे तो मुझसे बहुत मार खाओगे। हाय, लेटे लेटे रहो, लेटे रहो। शिवा, थैंक यू सो मच, तुमने इस खजाने को बचा के मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब ये पूरा खजाना तुम्हारा है, तुम ही इसके असली हकदार। शिवा द लास्ट निंजा। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो इस आंटी की मदद के लिए 1 करोड़ जीतने आया था। सॉरी आंटी, अब वो 1 करोड़ नहीं मिल सकते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, ये ही काफी है। शिवा ने जो वादा किया है वो खाली नहीं जाएगा। ये लो, ले जाओ और अपने स्कूल के बच्चों की मदद करो। शुक्रिया। एक बच्चे के वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे यहाँ से दूर ले चलो। To watch more, download the all-new Voot Kids app and start your 30-day free trial today.